हेलो सांग माने, समांतर क्षेत्र एवं त्रिभुजर क्षेत्रफल अर्थात एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स रो एही वीडियो को तुम मानको स्वागत। गत वीडियो रे आमे समान आधार एवं एक समांतर रेखा मध्यरे रहितबा त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स उपरे चर्चा कले। आजि आमे ए संबंधी आउ किछि प्रश्नर समाधान करिबा। चलो आरंभ आम प्रथम प्रश्नरु करिबा। दिया जाइथिबा आकृति चतुर्भुज के एल एम एन एक समांतर क्षेत्र तथा त्रिभुज ओ एन एल एवं त्रिभुज के ओ एन र क्षेत्रफल यथाक्रमे 10 एवं 15 वर्ग सेंटीमीटर दिया जाइछि। तेबे त्रिभुज एल एम एन एवं त्रिभुज ओ एम एन र क्षेत्रफल निर्णय कर। सांग माने आमको एठारे त्रिभुज एल एम एन र क्षेत्रफल निर्णय करबाकु हब। आमको दिया जाय छे जे चतुर्भुज के एल एम एन एक समांतर क्षेत्र एवं एन एल एहारो एक कर्ण अर्थात डायगोनल। आमे जानिछे जे समांतर चतुर्भुज एक कर्ण ताहाकु दुईटी सर्वसम त्रिभुजर विभक्त करे जहार क्षेत्रफल समान होइ नथाय। तेणु आमे कही पारिबा जे त्रिभुज के एल एन एवं त्रिभुज एल एम एन र क्षेत्रफल समान हेब। एहाको धरि नबा आमे समीकरण एक। तुम्हें आकृति रे देखि पारिबो जे त्रिभुज के एल एन एही दुई त्रिभुज के ओ एन एवं त्रिभुज ओ एन एल र सम्मेलन रे तयारी हेछि एवं आमे त्रिभुज के ओ एन एवं त्रिभुज ओ एन एल एही दुईटी त्रिभुजर क्षेत्रफल दिया जायछि। एथि पई एही दुईटी त्रिभुजर क्षेत्रफल मिसाण करी आमे त्रिभुज के एल एन र क्षेत्रफल निर्णय करि पारिबा। एही परि भाबरे समीकरण दुई रे एहार मूल्य स्थापन कले के एल एन र क्षेत्रफल आमको 25 वर्ग सेंटीमीटर मिलिबो। समीकरण एक रु आमे कही पारिबा जे त्रिभुज के एल एन एवं त्रिभुज एल एम एन र क्षेत्रफल समान रहिछि अर्थात त्रिभुज एल एम एन र क्षेत्रफल मध्य 25 वर्ग सेंटीमीटर सहित समान हेब। एबे त्रिभुज ओ एम एन र क्षेत्रफल जानिबा। आमे देखुचे जे त्रिभुज ओ एम एन एवं त्रिभुज एल एम एन एपरि दुईटी त्रिभुज जहाँकि गोटे आधार आधार एम एन उपरे उपस्थित एवं एक समांतर रेखा के एल एवं एन एम मध्यरे रहिछि। सांग माने आमे जानिचे जे गोटे आधार ओ एक समांतर रेखा मध्यरे रहिथिबा त्रिभुज गुडीकर क्षेत्रफल समान होइथाय। एथिपई त्रिभुज ओ एम एन एवं त्रिभुज एल एम एन र क्षेत्रफल समान हेब जहाँकि त्रिभुज ओ एम एन र क्षेत्रफल हेब 25 वर्ग सेंटीमीटर। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जीवा। दिया जाइथिबा आकृति रे रेखा एक्स एवं रेखा वाई समांतर अटंती। तेबे कहिल देखि दिया जाइथिबा उत्तर गुड़िक मध्यरु को उत्तरटी ठीक उत्तर। आस प्रथम उत्तर विषय आलोचना करिबा। दिया जाइथिबा आकृति रे आमे देखुछे जे त्रिभुज पी ए क्यू एवं त्रिभुज पी बी क्यू गोटे आधार पी क्यू एवं दुई समांतर रेखा एक्स एवं वाई मध्यरे रहिछि एवं आमे पढ़िचे जे गोटे आधार ओ एक समांतर रेखा मध्यरे रहिथिबा त्रिभुज गुड़िकर क्षेत्रफल समान होइथाय। तेणु त्रिभुज पी ए क्यू ओ त्रिभुज पी बी क्यू र क्षेत्रफल समान हेब अर्थात प्रथम उत्तर आमर ठीक उत्तर। एबे द्वितीय उत्तर को देखिबा चालंतु। एबे आमे त्रिभुज ए पी ई ओ त्रिभुज ए क्यू ई उपरे विचार करिबा। त्रिभुज ए पी ई ओ ए क्यू ई समान आधार उपरे रहिछन्ति कि? आज्ञा हाँ, एही दुई त्रिभुज गोटिया आधार
ए उपरे अंका जाइछि ओ एक समांतर रेखा एक्स एवं वाई मध्यरे अवस्थित। आमे जानिछे जे गोटिए आधार ओ एक समांतर रेखा मध्यरे रहितबा त्रिभुजगुडिकर क्षेत्रफल समान होइथाय। तेणु ए दुई त्रिभुजर क्षेत्रफल समान अटे, माने आमर द्वितीय उत्तर मध्य ठीक अटे। एबे परवर्ती उत्तर देखिबा। एबे तुमे त्रिभुज पी ओ क्यू एवं त्रिभुज पी सी क्यू को ध्यान देई देख। एमानक आधार गोटिए आधार पी क्यू। जदि एमानकर आधार समान तेबे क्षेत्रफल कण समान हबो? आदो नुहे। आकृति रे आमे देखुचे जे ई दुईटी त्रिभुज एक समांतर रेखा मध्यरे नाहांती, तेणु एही त्रिभुज गुड़िकर क्षेत्रफल समान हेबो नाही। तेणु एही उत्तर भूल अटे। एहीपरि भावरे तुमे तुम सांगमानक सहित अन्य उत्तर गुड़िक निजे तुलना करिकि देख। शेष करिबा पूर्वरु मु तुमको चतुर्थ उत्तर विषय गोटिए संकेत देउछि। बिंदु ओ एवं बिंदु एफ मध्य देई गति करुथुबा एक रेखा अंकन कर। आस एही रेखा को जेड धरि नबा। तेबे आमे देखिबा जे एही रेखा जेड रेखा वाई सह समांतर हेबो। सांग माने एही अधिवेशन रे बस एतिकी। आजि आमे गोटिए आधार एवं गोटिए समांतर रेखा मध्यरे रहितबा त्रिभुज अर्थात ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स उपरे आधारित किछि प्रश्न को समाधान कले। देखा हबो आसंता वीडियो रे ए विषय रे आउ किछि प्रश्न आलोचना करिबा। धन्यवाद।